बात करेंगे देश की जानी मानी कार्यकर्ता और पिछले 10 सालों से गुजरात में 2002 दंगा पीड़ितों के न्याय के लिए लड़ रही तिस्ता सी तलवार की, जो अब खुद ही आरोपों के घेरे में फंस चुकी है। तिस्ता पर आरोप है कि गुलबर्ग सोसाइटी और दंगा पीड़ितों के नाम पर देश और विदेश से मिले करोड़ों रुपए उन्होंने गबन किए हैं और अपने अकाउंट में उसे ट्रांसफर भी करवा दिया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए, हम लौटते हैं। 2002 में हुए दंगे को याद कर आज भी गुजरात के लोगों का रूह सिहर उठता है। ये दिन उनके दिमाग में आते ही वो मातम उन्हें याद आने लगती है, जिसे वो कभी नहीं याद करना चाहते। गुजरात दंगों में मारे गए लोगों के परिवार वालों को अब इंतजार है तो सिर्फ न्याय का, लेकिन उन्हें न्याय कैसे मिले अब इसका भी डर उन्हें सताने लगा है। करीब 10 साल पहले उनके परिजनों ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को न्याय दिलाने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन अब तीस्ता पर ही दंगा पीड़ित आरोप लगाने लगे हैं। 2002 में हमारे वहाँ हत्याकांड हुआ था, उसके बाद हम लोग ने केस तीस्ता सीतलवाड़ को दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस ले गई थी और केस तक का मामला ठीक था, केस में सपोर्ट करा था। उसके बाद 2007 में तीस्ता मैडम ने हमको कहा कि मैं गुलबर्ग सोसाइटी के म्यूज़ियम बनाऊंगी, और 2007 से भी 2013 तक ना इन्होंने म्यूज़ियम बनाया। फिरोज के परिवार के 8 लोगों की मौत 2002 गुलबर्ग सोसाइटी दंगे के दौरान हो गई थी, जिसके बाद तीस्ता ने दंगा पीड़ितों के खिलाफ न्याय की जंग छेड़ी थी, लेकिन पीड़ितों की मदद के लिए जो रकम मिले थे उसे डकारने का आरोप दंगा पीड़ितों ने तीस्ता पर लगाया है। फिरोज की मांग है कि जो भी पैसे पीड़ितों के लिए मिले थे उसे तीस्ता वापस करें, और जो जितने भी लुटेले हैं गुलबर्ग ही नहीं पूरे गुजरात के नाम पे, जिनके नाम पे पैसा आया है विक्टिमों के नाम पे, उन सबको पैसा तीस्ता सीतलवाड़ दे दे। फिरोज के साथ साथ गुलबर्ग दंगे में मारे गए लोगों के परिजन भी अब साथ आ गए हैं और अब सभी मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तीस्ता की ओर से मिले धोखे के बाद अब उसके खिलाफ सभी दंगा पीड़ितों ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एक याचिका दायर की है और उस पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया है। क्राइम ब्रांच में एफआईआर फाइल की है। हम एके शर्मा साहब को मिले, जेसीबी को, उन्होंने हमारी बात सुनी, उनको हमने दे दी, बोले मैं इनकी अब इंक्वायरी करूँ और आप लोगों को बुलाऊंगा। दंगा पीड़ितों की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने भी जांच की बात कही है और यदि जांच में दंगा पीड़ितों के आरोप सही निकलते हैं तो तीस्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले क्राइम ब्रांच के द्वारा एक एप्लीकेशन के ऊपर में इसमें क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है, इसकी जानकारी पूरी प्राप्त करने के लिए इसको एक अधिकारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी सच, जो भी विगत आएगी, जो भी फैक्ट आएगा उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीस्ता के खिलाफ गुलबर्ग सोसाइटी दंगा पीड़ितों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उससे साफ है कि आरोप साबित होने के बाद तीस्ता पर और शिकंजा कस सकता है। भौमिक व्यास, न्यूज़ एक्सप्रेस, अहमदाबाद।